नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सागर के व्यस्ततम इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कटनी से सागर व्यापार करने आए एक व्यापारी चंद्रभान रोहरा के साथ तीन अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल व्यापारी चंद्रभान रोहरा कटनी में साइकिल का व्यापार करते हैं और उसी सिलसिले में करीब 6 लाख रुपए लेकर सागर आए थे। तभी आरोपियों ने उनका पीछा कर उनके बैग में रखे 6 लाख रुपए छीन लिए। ये पूरी घटना पासी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद सभी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की छानबीन शुरू कर दी। घटना हुई है मेरे साथ में। क्या हुआ, कहां से आ रहे थे, कैसे? मैं साइड से लौट रहा था तो तीन नकाबपोशों ने मेरे को पकड़ के मारा और मेरा बैग छीन के भाग गए। कहां से आए थे आप? राजकुमार साइकिल से निकल रहा था। कहीं बाहर शहर से आए? जी सर, मैं बाहर का व्यापारी हूँ। कहाँ से आए? मैं कटनी का व्यापारी हूँ। यहाँ कब, कैसे और कैसे पीछे लग गए बोलो, कुछ घटनाक्रम बताएं। मेरे को नहीं मालूम वो कैसे मेरे कहाँ मेरे पीछे लगे, मेरे को नहीं मालूम। घटना क्या हुई आपके साथ? मेरे को चाकू दिखा करके मारपीट करके बैग छीना गया मेरा। पुलिस में जानकारी दी आपने? हाँ, पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी थी। अभी FIR दर्ज कराने जा रहा हूँ। किसी पर संदेह? नहीं। की वारदात करने वाले बदमाश हैं, उनका इतिहास भी हम खंगाल रहे हैं और कई इसमें अभी क्लू हमको मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी पुलिस टीम है मेहनत कर रही है और जल्दी हम इस मामले का खुलासा कर रहे हैं। सर, फुटेज देख के लगता है पहले से रैकी चल रही है ना, उनको अंदेशा था कि कितना माल है, क्या है, कहां से आ रहा है ऑलरेडी? ये इसलिए बात सही है क्योंकि संडे है आज और जैसा बताया कि अधिकांश दुकानें बंद रहती हैं और इनका यहाँ मूवमेंट हो रहा था इतने अधिक कैश के साथ। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं अपराधियों को ये जानकारी थी कि ये एक इतना बड़ा कैश लेके यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं और ये भी संभव है कि कहीं ना कहीं इनकी रैकी की गई। सागर से हर्षित पांडे की रिपोर्ट।